ओके हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्वेश्चन सीरीज ऑफ अ गेट प्राइम जो कि हम लोग अभी कर रहे हैं एसएससी के लिए और अदर एग्जामिनेशंस के लिए। तो हमारा क्वेश्चन आज का आपका फिर से इलेक्ट्रिकल मशीन पे है, और इलेक्ट्रिकल मशीन पे हम लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मटेरियल्स, जैसे कि आप जानते हो कि इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर। तो आपको पता होगा कि जनरली 3 मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स 3 होते हैं, ठीक है, डाई मैग्नेटिक, पारा एंड फेरो। तो इस तीनों मटेरियल्स में से, ये जो हमने तीनों क्लासिफिकेशंस बताए हैं, इन तीनों मटेरियल्स में से कौन से मैग्नेटिक मटेरियल्स हम लोग यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। काफ़ी शॉर्ट आंसर है, आपको अगर आपने अच्छे से किया हुआ होगा, मशीन को अच्छे से पढ़ा हुआ होगा, तो आपको चीज़ पता होगा। तो आपको डाई मैग्नेटिक, पारा मैग्नेटिक्स एंड फेरो मैग्नेटिक्स में कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्यों है, आपको इसका आंसर देना है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एसएससी के लिए, एसएससी के प्री एग्जामिनेशंस के लिए, या फिर अदर कहीं भी पूछ सकते हैं, ईएससी के प्री एग्जामिनेशन में भी ये चीज़ पूछा जा सकता है। तो आप इसके बारे में बताओ और कमेंट सेक्शन में अपना जवाब दो, मैं उसको करेक्ट करूँगा, या फिर मैं आपके जवाब देने के बाद मैं उसका आपको रिप्लाई करूँगा। चलो फिर, थैंक यू।